आज हमारे पास रेडमी का नोट 7, नोट 7S है फ़ोन। आप आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। गूगल प्ले सर्विस कीप स्टॉपिंग, ये प्रॉब्लम है। तो ये कैसा ठीक होगा आपको बताएंगे। आइए स्क्रीन पे, यही प्रॉब्लम है। फ़ोन को पहले खोल लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी चेक करिए, प्रॉब्लम देखिए, बार बार आ रहा है। कुछ भी ओपन कर रहा हूँ तो यही आ रहा है, कुछ भी ओपन कर रहा हूँ तो यही आ रहा है। चलाने नहीं दे रहा है फ़ोन, कुछ भी नहीं, कुछ भी यूज़ वर्क नहीं, कुछ भी। एक चीज़ बार बार करने पे, बार बार करने पे यही आ रहा है। तो बताएंगे आपको कैसे सॉल्व होगा यह प्रॉब्लम। कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा अभी, पहले चेक कर लीजिए प्रॉब्लम, देखिए। अभी फिर से कैमरा ओपन करा, फिर से यही आया, यही आया। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, फ़ोन खोलना पड़ेगा, ज़रूरी है। चलिए, तो हम इससे इसको करेंगे फ्लैश UMT प्रो से, ठीक है। ठीक है, अभी मैं तो ओपन कर रहा हूँ UMT प्रो, UMT प्रो QC फायर। इससे होगा क्योंकि क्वालकॉम डिवाइस है, रेडमी का नोट 7, नोट 7S, दोनों मॉडल एक ही है, एक ही फ्रेमवेयर लगता है इसको। सॉरी, थोड़ा लेट है सिस्टम। ठीक है, ये देखिए, ये है। यहाँ पे रॉ प्रोग्राम पे क्लिक करना है, चेक लगाना है, पैच प्रोग्राम पे चेक लगाना है। फ्रेमवेयर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके थे हमने, फ्रेमवेयर हमारे पास है। देखिए कैसे करते हैं। पे लगाए, फाइल है, थोड़ा अंदर है, ढूंढना पड़ेगा इसका फाइल कौन सा है, थोड़ा समय लगेगा। फाइल नहीं है, अभी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको फाइल। आई थिंक एक्सट्रैक्ट नहीं है फाइल, इसलिए नहीं मिल रहा। एक्सट्रैक्ट होने थोड़ा समय लगेगा। वीडियो को स्किप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, बहुत समय खाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। एक्सट्रैक्ट फिल से यहाँ पे आपको यहाँ पे हटा के एक्स्ट्रा स्टार्टिंग के जो हटा के डॉट जिप लगाना है। तो डॉट जिप एंटर एंटर कर देना है, यस पूछेगा, यस कर देना है, फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फिर से। एक्सट्रैक्ट के लिए टाइम लगता ना, तो स्किप कर दिया वीडियो फिर से। तो हमारा टोटली फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया, तो हम चलते हैं UMT QC फायर पे। ये वाला फाइल करप्ट है, मैंने न्यू फाइल डाउनलोड करके ऐड कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक। टेस्ट पॉइंट जो होता है, टेस्ट पॉइंट EDL पॉइंट, उसको लगाना पड़ेगा। शॉर्ट कर देना दोनों चीज़ को। आप गूगल पे आसान से चेक कर सकते हैं नोट 7 प्रो का टेस्ट पॉइंट कहाँ पे, नहीं तो मेरे वीडियो में भी दिख सकता है, आपको दिखाऊँगा। पड़ेगा शॉर्ट करना पड़ेगा स्क्रीन पर। चलिए अभी, और केबल कनेक्ट करना पड़ेगा, और आपको दिखाता हूँ पॉपअप स्क्रीन पर कि क्वालकॉम पोर्ट कैसा आता है। ये फ्लैश बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद छेड़छाड़ी कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्लैश बटन पे क्लिक करना है डायरेक्ट। फिर उसके बाद अपना फ्लैशिंग चालू हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा फ्लैश के लिए क्योंकि पूरा फ्रेमवेयर लग रहा है इसमें,
न्यू फाइल एकदम। तो वीडियो को स्किप करते हैं, डायरेक्ट आपको बताते हैं आगे। तो फ्लैश हमारा कंप्लीट हो गया है टोटल। अब निकालते हैं इसको, डिसकनेक्ट करते हैं केबल, पीसी से केबल निकालते हैं। तो टेस्ट पॉइंट इसका फिर से निकाल लेना है, जो जॉइंट था उसको छुड़ा लेना है, जैसा था अलग अलग कर लेना है, जैसा मैं कर रहा हूँ देख रहे हो स्क्रीन पे। तो बैटरी कनेक्ट लगाना है इसके बाद, तो फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ये हमारा फ़ोन हो गया चालू, समय लगेगा पूरा चालू होने के लिए, जब तक हम वीडियो को स्किप करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे पूरा फ़ोन चालू हो चुका है हमारा। स्टार्टिंग पे करना है आपको यहाँ पे टिक, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे थोड़ा टिक लगाना है, नेक्स्ट करना है, कंडीशन पूछेगा, सिम का स्किप कर देना है, स्किप ये भी स्किप कर देना है, वाईफाई वाला ज़रूरत नहीं है, वाईफाई भी थर्ड वाईफाई भी चले जा सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। रुकना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पे वेट लेगा क्योंकि यहाँ पे गूगल पे गूगल का आईडी पूछता है, यहाँ पे स्किप कर लेना है, ये भी स्किप, नेक्स्ट, एग्री पे, यहाँ पे थीम आपको रखना है कौन सा, तो स्टार्ट पे कर देना है। स्टार्ट हो रहा है हमारा, पूरा फ़ोन सेटअप हो रहा है, थोड़ा समय खाएगा ये भी साला। जस्ट वन पे, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, चालू हो गया हमारा टोटल फ़ोन। डन हो गया हमारा फ़ोन, आपको चेक कराता हूँ। कैमरा ओपन करने पे आ रहा था बार बार वही प्रॉब्लम, देखिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैमरा ओपन होगा, यहाँ पे एग्री कर लेना है, चेक करिए कैमरा, यहाँ पे थोड़ा परमिशन पूछेगा, अलाउ करना है, चेक करिए, अभी ये प्रॉब्लम आएगा नहीं दोबारा। फ़ोन हो चुका है हमारा टोटल कंप्लीट डन।